यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। यज्ञदान और तप ये कर्म त्याज्य नहीं हैं, इनका अनुष्ठान तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये मनीषी पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। अर्जुन, इनका तथा अन्य सब कर्मों का भी अनुष्ठान फल और आसक्ति को त्याग कर ही करना चाहिए, यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। जिसका जैसा अधिकार है उसी के अनुसार शास्त्रों में वर्ण और आश्रम संबंधी कर्म बताए गए हैं। अतः यह समझना चाहिए कि सभी कर्म सब साधकों के लिए उपादेय नहीं होते, किंतु श्रुति में बतलाए हुए ब्रह्म प्राप्ति के साधनों में से जिस साधन को लेकर जो साधक अग्रसर हो रहा है उसे अपने वर्ण आश्रम और योग्यता अनुसार अन्य शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान भी निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से श्रुति में विकल्प दिखलाया गया है कि कोई तो गृहस्थ में रहकर यज्ञ दान और तप के द्वारा उसे प्राप्त करना चाहता है, कोई संन्यास आश्रम में रहकर उसे जानना चाहता है, कोई ब्रह्मचर्य के पालन के द्वारा उसे पाना चाहता है, और कोई वानप्रस्थ में रहकर केवल तपस्या में ही उसको पाने की इच्छा रखता है इत्यादि। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म अत्यंत आवश्यक हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में उनकी अपेक्षा नहीं है। ब्रह्म विद्या से ही उस फल की सिद्धि होती है। इसके लिए सूत्रकार ने अश्व का दृष्टांत दिया है। जैसे योग्यता अनुसार घोड़ा सवारी के काम में लिया जाता है, प्रासाद पर चढ़ने के कार्य में नहीं, उसी प्रकार कर्म ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सहायक है, ब्रह्म के साक्षात्कार में नहीं। संबंध, परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या ऐसे विशेष साधन भी हैं जो सभी वर्ण आश्रम और योग्यता वाले साधकों के लिए समान भाव से आवश्यक हों? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, शम दमाद्युपेतः स्यात् तथापि तु तद्विधेस्तदंगतया तेषां वश्यानुष्ठेयत्वात्। अन्य कर्म आवश्यक न होने पर भी साधक को शम दम तितिक्षा आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए, क्योंकि उस ब्रह्म विद्या के अंग रूप से उस शम दमादि का विधान होने के कारण उनका अनुष्ठान अवश्य कर्तव्य है। व्याख्या, श्रुति में पहले ब्रह्मवेत्ता के महत्व का वर्णन करके कहा गया है कि यह ब्रह्मवेत्ता की महिमा नित्य है, यह न कर्मों से बढ़ती है और न घटती है, इस महिमा को जानना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता की महिमा को जानने वाला पाप कर्मों से लिप्त नहीं होता, इसलिए इस महिमा को जानने वाला साधक शांत अंतःकरण का संयमी, दांत इंद्रियों का संयमी, उपरत तितिक्षु और ध्यान में स्थित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखता है। इस प्रकार श्रुति में परमात्मा को जानने की इच्छा वाले साधक के लिए शम दमादि साधनों का ब्रह्म विद्या के अंग रूप से विधान है, इस कारण उनका अनुष्ठान करना साधक के लिए परम आवश्यक हो जाता है। अतएव जिस साधक के लिए वर्ण आश्रम के यज्ञादि कर्म आवश्यक न हो, उसको भी इन शम दम तितिक्षा ध्यानाभ्यास आदि साधनों से संपन्न अवश्य होना चाहिए। सूत्र में आए हुए तथापि शब्द से उपयुक्त भाव तो निकलता ही है, उसके सिवा यह भाव भी व्यक्त होता है कि अधिकांश साधकों के लिए तो पूर्व सूत्र के कथनानुसार अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए विहित सभी कर्म आवश्यक हैं, किंतु वैराग्य और उपरति आदि किसी विशेष कारण से किसी किसी के लिए अन्य कर्म आवश्यक न हो तो भी शम दमादि का अनुष्ठान तो अवश्य होना चाहिए। संबंध, श्रुति में कहीं कहीं यह वर्णन भी मिलता है कि प्राण विद्या के रहस्य को जानने वाले के लिए कोई अन्न अभक्ष नहीं होता, इसलिए साधक को अन्न के विषय में भक्षा भक्ष का विचार रखना चाहिए या नहीं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्। सब प्रकार के अन्न को भक्षण करने की अनुमति तो अन्न बिना प्राण न रहने की संभावना पर ही है, सदा नहीं,
क्योंकि श्रुति में वैसा ही आचार देखा जाता है। व्याख्या। श्रुति में एक कथा आती है, किसी समय कुरु देश में टिड्डियों के गिरने अथवा ओले पड़ने से भारी अकाल पड़ गया। उस समय उशस्त्र नाम वाले एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी आटिकी के साथ इव्यग्राम में रहते थे। वे दरिद्रता के कारण बड़े संकट में थे। कई दिनों से भूखे रहने के कारण उनके प्राण जाने की संभावना हो गई। तब वे एक महावत के पास गए, वह उड़द खा रहा था। उन्होंने उससे उड़द मांगा। महावत ने कहा, मेरे पास इतना ही है, इसे मैंने पात्र में रखकर खाना आरंभ कर दिया है, यह जूठा अन्न आपको कैसे दूं? उशस्त बोले, इन्हीं में से मुझे दे दो। महावत ने वे उड़द उनको दे दिए और कहा, यह जल भी प्रस्तुत है, पी लीजिए। उशस्त ने कहा, नहीं, यह जूठा है, इससे जूठा पानी पीने का दोष लगेगा। यह सुनकर महावत बोला, क्या ये उड़द जूठे नहीं थे? उशस्त ने कहा, इनको न खाने से तो मेरा जीना असंभव था, किंतु जल तो मुझे अन्यत्र भी इच्छा अनुसार मिल सकता है। इत्यादि श्रुति में कही हुई इस कथा को देखने से यह सिद्ध होता है कि जिस समय अन्न के बिना मनुष्य जीवन धारण करने में असमर्थ हो जाए, प्राण बचने की आशा न रहे, ऐसी परिस्थिति में ही अपवित्र या उच्छिष्ट अन्न भक्षण करने के लिए शास्त्र की सम्मति है, साधारण अवस्था में नहीं। क्योंकि उड़द खाने के बाद उशस्त ने जल ग्रहण न करके इस बात को भली प्रकार स्पष्ट कर दिया है। अतएव वहाँ जो यह कहता है कि इस रहस्य को जानने वाले के लिए कोई अभक्ष नहीं होता, उसका अभिप्राय प्राण विद्या के ज्ञान की स्तुति करने में है, न कि अभक्ष भक्षण के विधान में। क्योंकि वैसा कहने पर अभक्ष का निषेध करने वाले शास्त्र वचनों से विरोध होगा। इसलिए साधारण परिस्थिति में मनुष्य को अपने आचार तथा आहार की पवित्रता के संरक्षण संबंधी नियम का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। संबंध दूसरी युक्ति से पुनः इसी बात को पुष्ट करते हैं। अबाधाच अन्य श्रुति का बाध नहीं होना चाहिए, इस कारण से भी यही सिद्ध होता है कि आपत्काल के सिवा अन्य परिस्थिति में आचार का त्याग नहीं करना चाहिए। व्याख्या। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्ध से अंतःकरण की शुद्धि होती है। इत्यादि जो भक्षा भक्ष का विचार करने वाले शास्त्र वचन हैं, उनके साथ एक वाक्यता करने के लिए उनका दूसरी श्रुति के द्वारा बाध विरोध होना उचित नहीं है। इस कारण से भी आपत्तिकाल के सिवा साधारण अवस्था में भक्षा भक्ष विचार एवं अभक्ष के त्याग रूप आचार का त्याग नहीं करना चाहिए। संबंध प्रकारांतर से पुनः इसी बात को सिद्ध करते हैं। अपिच स्मर्यते, इसके सिवा स्मृति भी इसी बात का समर्थन करती है। व्याख्या। मनुस्मृति में कहा है कि जो मनुष्य प्राण संकट में पड़ने पर जहाँ कहीं से भी अन्न लेकर खा लेता है, वह उसी प्रकार पाप से लिप्त नहीं होता जैसे कीचड़ से आकाश। इस प्रकार जो स्मृति वचन उपलब्ध होते हैं, उनसे भी यही सिद्ध होता है कि प्राण जाने की परिस्थिति उत्पन्न न होने तक आहार शुद्ध संबंधी सदाचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। संबंध अब श्रुति प्रमाण से भी अभक्ष भक्षण का निषेध सिद्ध करते हैं। शब्दाश्चातो कामकारे, इच्छानुसार अभक्ष भोजन के निषेध में श्रुति प्रमाण भी है। इसलिए प्राण संकट की स्थिति आए बिना निषिद्ध अन्न जल का भक्षण नहीं करना चाहिए। व्याख्या। इच्छानुसार अभक्ष भक्षण का निषेध करने वाली श्रुति भी है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जहाँ कहीं श्रुति में ज्ञान की विशेषता दिखलाने के लिए विद्वान के संबंध में यह कहा है कि उसके लिए कुछ भी अभक्ष नहीं होता, वह केवल विद्या की स्तुति के लिए है, सिद्धांत यही है कि जब तक प्राण जाने की परिस्थिति न पैदा हो जाए, तब तक अभक्ष त्याग संबंधी सदाचार का त्याग नहीं करना चाहिए। संबंध यहाँ तक यह सिद्ध हो गया कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी अभक्ष त्याग आदि के आचार का पालन करना चाहिए। अब यह जिज्ञासा होती है कि ज्ञानी को कर्म करना चाहिए या नहीं, यदि करना चाहिए तो कौन से कर्म करने चाहिए, अतः इसके निर्णय के लिए कहते हैं। विहितत्वाच्चाश्रम कर्मापि, तथा शास्त्र विहित होने के कारण आश्रम संबंधी कर्मों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। व्याख्या।
ज्ञानी के द्वारा भी जिस प्रकार शरीर की स्थिति के लिए उपयोगी भोजनादि कर्म तथा ब्रह्मोपयोगी शमदमादि कर्म लोक संग्रह के लिए कर्तव्य हैं, उसी प्रकार जिस आश्रम में वह रहता हो उस आश्रम के कर्म भी उसके लिए विहित हैं, अतः उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इसलिए भगवान ने भी कहा है, हे अर्जुन, जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर उनका अनुष्ठान करता है, वैसे ही ज्ञानी भी लोक संग्रह को चाहता हुआ बिना आसक्ति के उनका अनुष्ठान करे। संबंध प्रकारांतर से इस बात को दृढ़ करते हैं। सहकारित्वेन च साधन में सहायक होने के कारण भी उनका अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। व्याख्या, जिस प्रकार शम दम प्रतिच्छादि कर्म परमात्मा की प्राप्ति के साधन में सहायक हैं, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित आश्रम संबंधी आचार व्यवहार आदि भी सहायक हैं। इसलिए उनका अनुष्ठान भी लोक संग्रह के लिए अवश्य करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। संबंध, यहाँ तक यह सिद्ध किया गया कि ब्रह्म विद्या का अभ्यास करने वाले साधकों के लिए निष्काम भाव से और परमात्मा को प्राप्त हुए महात्माओं के लिए लोक संग्रहार्थ आश्रम संबंधी विहित कर्मों का अनुष्ठान तथा खान पान संबंधी सदाचार का पालन आवश्यक है। अब पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की भक्ति के अंगभूत जो श्रवण कीर्तन आदि कर्म हैं, उनका पालन किस परिस्थिति में और किस प्रकार करना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। सर्वथापित एवो भयलिंगात, किसी कारण से कठिनता प्राप्त होने पर भी वे भक्ति संबंधी कर्म या भागवत धर्म तो सब प्रकार से ही आचरण में लाने योग्य है, क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों के निश्चयात्मक वर्णन रूप लिंग लक्षण से यही सिद्ध होता है। व्याख्या, श्रुति में कहा है कि बुद्धिमान ब्राह्मण को चाहिए कि उस पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व को समझकर उसी में बुद्धि को प्रविष्ट करे, अन्य नाना प्रकार के व्यर्थ शब्दों पर ध्यान न दे, क्योंकि वह तो केवल वाणी का अपव्यय मात्र है। तथा जिस पर ब्रह्म परमेश्वर में स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष मन सहित समस्त इंद्रियां और प्राण स्थित हैं, उसी एक सबके आत्मा परमेश्वर को कहे हुए उपायों द्वारा जानो, दूसरे बातों को छोड़ो। यही अमृत स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए सेतु के सदृश सरल मार्ग हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि जो आपके भक्त आपके चरित्रों को प्रतिक्षण सुनते हैं, गाते हैं और वर्णन करते हैं तथा उन्हीं का स्मरण करके आनंदित होते हैं, वे ही अविलंब आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मरण रूप प्रवाह के नाशक हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैविम प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततम् कीर्तयन्तो माम् यन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे पार्थ, दैवी प्रकृति में स्थित हुए अनन्य मन वाले महात्मा गण मुझे समस्त प्राणियों का आदि और अविनाशी जानकर मेरा भजन करते हैं। वे यत्नशील दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर मेरा कीर्तन और मुझे नमस्कार करते हुए सदा मुझमें ही संलग्न रहकर प्रेम पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। इत्यादि श्रुतियों और स्मृतियों में वर्णित लक्षणों से यही सिद्ध होता है कि आपत्ति काल में किसी कारणवश वर्ण आश्रम और शरीर निर्वाह संबंधी अन्य कर्मों का पालन पूर्णतया न हो सके तो भी उन भगवद उपासना विषयक श्रवण कीर्तन आदि मुख्य धर्मों का अनुष्ठान तो किसी भी प्रकार से अवश्य करना ही चाहिए। भाव यह कि किसी भी अवस्था में इनके अनुष्ठान में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। संबंध उक्त धर्मानुष्ठान की विशेषता दिखलाते हैं। अनभिभवम च दर्शयति, श्रुति इनका अनुष्ठान करने वाले का पापों से अभिभूत न होना भी दिखलाती है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि इनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। व्याख्या, श्रुति ने कहा है
कि उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले की महिमा को जानने वाले जिस साधक का मन शांत है, अर्थात विषय वासना से अभिभूत नहीं है, जिसकी इंद्रियां वश में की हुई हैं, जो अन्य सभी क्रियाकलाप से उपरत है, सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक सुख दुखों को सहन करने में समर्थ तितिक्षु है तथा परमात्मा के स्मरण में तल्लीन है, वह अपने हृदय में स्थित उस आत्म स्वरूप परमेश्वर का साक्षात्कार करता है, अतः वह समस्त पापों से पार हो जाता है, उसे पाप ताप नहीं पहुंचा सकते, अपितु वही पापों को संतप्त करता है इत्यादि। इस प्रकार स्तुति में भगवान का भजन स्मरण करने वाले को पाप नहीं दबा सकते, यह बात कही गई है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए बतलाए हुए जो उपासना विषयक श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि धर्म हैं, उनका अनुष्ठान तो प्रत्येक परिस्थिति में करते ही रहना चाहिए। संबंध प्रकारांतर से पुनः उपासना विषयक कर्मानुष्ठान की विशेषता का प्रतिपादन करते हैं। अंतरा चापितु तद्दृष्टेह, इसके सिवा आश्रम धर्मों के अभाव में भी केवल उपासना विषयक अनुष्ठान में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि श्रुति में ऐसा विधान देखा जाता है। व्याख्या श्वेता स्वतरोपनिषद में कहा है, अपने शरीर को नीचे की अरण्य और प्रणव को ऊपर की अरण्य बनाकर ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करते रहने से साधक छिपी हुई अग्नि की भांति हृदय में स्थित परम देव परमेश्वर को देखे। इस कथन के पश्चात उपयुक्त रूप से परमेश्वर में ध्यान की स्थिति के लिए प्रार्थना करने तथा उन्हीं परमात्मा की शरण ग्रहण करने का भी वर्णन है। तदनंतर यह कहा गया है कि हे साधक, संपूर्ण जगत के उत्पादक सर्वांतर्यामी परमेश्वर की प्रेरणा से तुम्हें उन पर ब्रह्म परमात्मा की सेवा समाराधना करनी चाहिए। उन परमेश्वर की ही शरण लेकर उन्हीं में अपने आप को विलीन कर देना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे पूर्वकृत समस्त संचित कर्म साधन में विघ्नकारक नहीं होंगे। इसके बाद इसका फल आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार बताया है। इसी तरह अन्य श्रुतियों में भी केवल उपासना से ही परमात्मा की प्राप्ति बताई है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो अन्य वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने में असमर्थ हैं, उनको केवल उपासना के धर्मों का पालन करने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। संबंध इसी बात के समर्थन में स्मृति का प्रमाण देते हैं, अपि च स्मर्यते, इसके सिवा स्मृतियों में भी यही बात कही गई है। व्याख्या गीता आदि स्मृतियों में जो वर्णाश्रमोचित कर्म के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पाप योनि चांडाल आदि को भी भगवान की शरणागति से परम गति की प्राप्ति बतलाई गई है। वहाँ भगवान ने यह स्पष्ट कहा है कि मेरी प्राप्ति में वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, दान तथा नाना प्रकार की क्रिया और उग्र तप हेतु नहीं है, केवल मात्र अनन्य भक्ति से ही मैं जाना, देखा और प्राप्त किया जा सकता हूँ। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में भी जगह जगह इस बात का समर्थन किया गया है कि वर्ण और आश्रम की मर्यादा से रहित मनुष्य केवल भक्ति से पवित्र होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यथा किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, कंक, यवन, खस आदि तथा अन्य जितने भी पाप योनि के मनुष्य हैं, वे सब जिनकी शरण लेने से शुद्ध हो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उन सर्व समर्थ भगवान को नमस्कार है। इन सब वचनों से यह सिद्ध होता है कि उपासना संबंधी धर्मों का अनुष्ठान ही परम आवश्यक है। संबंध अब भागवत धर्मानुष्ठान का विशेष महात्म सिद्ध करते हैं। विशेषानुग्रहश्च, इसके सिवा भगवान की भक्ति संबंधी धर्मों का पालन करने से भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। व्याख्या ऊपर बतलाई हुई अन्य सब बातों से भागवत धर्म की विशेषता में हेतु ही है। उनके सिवा यह एक विशेष बात है कि अन्य किसी प्रकार के धर्म कर्म आदि का आश्रय न लेकर जो अनन्य भाव से केवल भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करता है, उसको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है,
कि उन भक्तों के लिए मैं सुलभ हूँ, उनका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। भगवान ने अपने भक्तों का महत्व बतलाते हुए श्रीमद् भागवत में यहाँ तक कह दिया है कि मैं सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। इसके सिवा इतिहास, पुराण और स्मृतियों में यह वर्णन विशेष रूप से पाया जाता है कि भक्ति का अनुष्ठान करने वालों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। यही कारण है कि भगवान के इस भक्त वत्सल स्वभाव को जानने वाले निरंतर उनके भजन स्मरण में ही लगे रहते हैं, तथा वे भक्त जन मुक्ति का भी निरादर करके केवल भक्ति ही चाहते हैं। संबंध। अब अन्य धर्मों की अपेक्षा भागवत धर्मों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। अस्तित्व तरज्जायो लिंगाच, ऊपर बतलाए हुए इन सभी कारणों से यह सिद्ध हुआ कि अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवान की भक्ति विषयक धर्म श्रेष्ठ है। इसके सिवा लक्षणों से, स्मृति प्रमाणों से भी यही सिद्ध होता है। व्याख्या। ऊपर बतलाए हुए कारणों से यह बात सिद्ध हो चुकी कि अन्य सभी प्रकार के धर्मों से भगवान की भक्ति विषयक धर्म अधिक श्रेष्ठ है। इसके सिवा स्मृति प्रमाण से भी यही बात सिद्ध होती है। श्रीमद् भागवत में कहा है, 12 प्रकार के गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान पद्मनाभ के चरण कमल से विमुख है तो उसकी अपेक्षा उस चांडाल को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ जिसके मन, धन, वचन, कर्म और प्राण परमात्मा को अर्पित हैं, क्योंकि वह भक्त चांडाल अपनी भक्ति के प्रताप से सारे कुल को पवित्र कर सकता है, परंतु वह बहुत मान वाला ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता। अहो, आश्चर्य है कि जिसकी जिह्वा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ स्थान और वेदाध्ययन आदि सब कुछ कर लिए। इसी प्रकार जगह जगह भगवान के भक्तों के लक्षण बतलाते हुए वर्ण आश्रम आदि के धर्म का पालन करने वालों की अपेक्षा उनकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। संबंध। इस प्रकार उपासना विषयक, श्रवण, कीर्तन आदि विशेष धर्मों का महत्व दिखलाया गया। अब यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश आश्रम का व्यतिक्रम करना चाहे तो कर सकता है या नहीं, यदि कर ले तो उसका व्यक्तित्व कैसा माना जाना चाहिए इत्यादि। अतः इस विषय का निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। तद्भूतस्य न तद्भावो जैमिनेरपि नियमा तद्रूपा भावेभ्यः। उच्च आश्रम में स्थित मनुष्य का तो उसे छोड़कर पूर्व आश्रम में लौट आना नहीं बन सकता, क्योंकि शास्त्रों में पीछे न लौटने का ही नियम है। श्रुति में आश्रम बदलने का जो क्रम कहा गया है उससे यह विपरीत है और इस प्रकार का शिष्टाचार भी नहीं है। जैमिनी ऋषि की भी यही सम्मति है। व्याख्या। जो चतुर्थ आश्रम ग्रहण कर चुके हैं उनका पुनः गृहस्थाश्रम में लौटना शास्त्र सम्मत नहीं है। इसी प्रकार वानप्रस्थ का भी पुनः गृहस्थ में प्रवेश उचित नहीं है, क्योंकि ऊंचे आश्रमों में जाकर पुनः लौटने का श्रुति स्मृतियों में निषेध है, तथा आश्रम बदलने का जो क्रम श्रुति में बताया गया है वह इस प्रकार है। ब्रह्मचर्य को पूरा करके गृहस्थ होवे, गृहस्थ से वानप्रस्थ हो और वानप्रस्थ से संन्यास ले, अथवा दूसरे प्रकार से, यानी ब्रह्मचर्य से या गृहस्थ से अथवा वानप्रस्थ से ही संन्यास ले। अतः पीछे लौटना उस क्रम से विपरीत है। इसके सिवा इस प्रकार का शिष्टाचार भी नहीं है। इन सब कारणों से जैमिन ऋषि की भी यही सम्मति है कि उच्च आश्रम से पुनः लौटना नहीं हो सकता। इसलिए यही सिद्ध हुआ कि वेद और स्मृतियों में जो एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करने की रीति बताई गई है उसको छोड़कर आश्रम का व्यतिक्रम करना किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं है। संबंध। इस प्रकार का मनुष्य प्रायश्चित कर लेने पर तो शुद्ध हो जाता होगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, न चाधिकारिकमपि पतनानुमाना तदयोगात। इसके सिवा प्रायश्चित के अधिकारी अन्य आश्रम वालों के लिए जो प्रायश्चित बताया गया है वह भी उनके लिए विहित नहीं है, क्योंकि स्मृति में उनका महान पतन माना गया है, इसलिए वह प्रायश्चित के उपयुक्त नहीं रहा।
व्याख्या। ब्रह्मचर्य आश्रम में यदि ब्रह्मचारी का व्रत भंग हो जाए तो वेद और स्मृतियों में उसका प्रायश्चित बताया गया है, तथा गृहस्थ भी ऋतुकाल आदि का नियम पालन भंग कर दे तो उसका प्रायश्चित है, क्योंकि वे प्रायश्चित के अधिकारी हैं। किंतु जिन्होंने वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया, वे यदि पुनः गृहस्थ आश्रम को लौटकर स्त्री प्रसंगादि में प्रवृत्त होकर पतित हो गए हैं तो उनके लिए शास्त्रों में किसी प्रकार के प्रायश्चित का विधान नहीं है, क्योंकि स्मृतियों में उनका अतिशय पतन माना गया है, इसलिए वे प्रायश्चित के अधिकारी नहीं रहे। जैमिनी आचार्य की भी सूत्रकार के मतानुसार यही सम्मति है कि उनके लिए प्रायश्चित का विधान नहीं है। संबंध इस पर अन्य आचार्यों का मत बताते हैं। उपपूर्वमपित्वेके भावम शनवत दुप्तम, कई एक आचार्य तो इसे उपपातक भी मानते हैं, इसलिए वे भोजन के नियम भंग के प्रायश्चित की भांति इसके लिए भी प्रायश्चित का भाव मानते हैं। यह बात शास्त्र में कही है, यह भी उनका कहना है। व्याख्या। कई एक आचार्यों का कहना है कि जिस प्रकार ब्रह्मचारी अपने व्रत से भ्रष्ट होकर प्रायश्चित का अधिकारी होता है, वैसे ही वानप्रस्थी और सन्यासियों का भी प्रायश्चित में अधिकार है, क्योंकि यह महापातक नहीं है किंतु उपपातक है, और उपपातक के प्रायश्चित का शास्त्र में विधान है ही। अतः अभक्ष भक्षण आदि के प्रायश्चित की भांति इसका भी प्रायश्चित अवश्य होना उचित है। संबंध इस पर आचार्य अपनी सम्मति बताते हैं। बहिस्तु भयथापि स्मृतेराचाराच, किंतु दोनों प्रकार से ही वह अधिकार से बहिष्कृत है, क्योंकि स्मृति प्रमाण से और शिष्टाचार से भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या। वे उच्च आश्रम से पतित हुए सन्यासी और वानप्रस्थी लोग महापातकी हों या उपपातकी, दोनों प्रकार से ही शिष्ट संप्रदाय और वैदिक ब्रह्म विद्या के अधिकार से सर्वथा बहिष्कृत हैं, क्योंकि स्मृति प्रमाण और शिष्टों के आचार व्यवहार से यही बात सिद्ध होती है। उनका पतन भोगों की आसक्ति से ही होता है, अतः वे ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हैं। श्रेष्ठ पुरुष उसके साथ यज्ञ स्वाध्याय और विवाह आदि संबंध भी नहीं करते हैं। संबंध इस प्रकार उच्च आश्रम से भ्रष्ट हुए द्विजों का विद्या में अधिकार नहीं है, यह सिद्ध किया गया। अब जो कर्मों के अंगभूत उद्गीत आदि में उपासना की जाती है, उसका कर्ता यजमान होता है या कर्म करने वाला ऋत्विक, इस पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। स्वामिनः फलश्रुते रित्यात्रेयः, उस उपासना में यजमान का ही कर्तापन है ऐसा आत्रेय मानते हैं, क्योंकि श्रुति में यजमान के लिए ही फल का वर्णन किया गया है। व्याख्या। आत्रेय ऋषि मानते हैं कि श्रुति में जो उपासना को इस प्रकार जानता है, वह पुरुष वृष्टि में पांच प्रकार के साम की उपासना करता है, उसके लिए वर्षा होती है, वह वर्षा कराने में समर्थ होता है। बृहदारण्यकोपनिषद में प्रस्तोता द्वारा की जाने वाली अनेक प्रार्थनाओं का उल्लेख करके अंत में उद्गाता का कर्म बताते हुए कहा है कि उद्गाता अपने या यजमान के लिए जिसकी कामना करता है उसका आगान करता है। इस प्रकार फल का वर्णन करने वाली श्रुति से सिद्ध होता है कि यज्ञ के स्वामी को उसका फल मिलता है, अतएव इन फल कामना युक्त उपासनाओं का कर्तापन भी स्वामी का अर्थात यजमान का ही होना उचित है। संबंध इस पर दूसरे आचार्य का मत कहते हैं। आर्तिज्यमित्यौ डुलोमिस्तस्मै हि परिक्रियते, कर्तापन ऋत्विक का है ऐसा औडुलोम आचार्य मानते हैं, क्योंकि उस कर्म के लिए वह ऋत्विक यजमान द्वारा धनादि से वरण कर लिया जाता है। व्याख्या। आचार्य औडुलोम ऐसा मानते हैं कि कर्तापन यजमान का नहीं किंतु ऋत्विक का ही है, तथापि फल यजमान को मिलता है, क्योंकि वह ऋत्विक उस कर्म के लिए यजमान के द्वारा धनादि से वरण कर लिया जाता है, अतः वह दाता द्वारा दी हुई दक्षिणा का ही अधिकारी है, उसका फल में अधिकार नहीं है।
संबंध सूत्रकार श्रुति प्रमाण से अपनी सम्मति प्रकट करते हैं। श्रुतेश्च श्रुति प्रमाण से भी औडुलोम का ही मत उचित सिद्ध होता है। व्याख्या यज्ञ का ऋत्विक जो कुछ भी कामना करता है वह निःसंदेह यजमान के लिए ही करता है, इसलिए इस प्रकार जानने वाला उद्गाता यजमान से कहे कि मैं तेरे लिए किन किन भोगों का आगान करूं इत्यादि श्रुतियों से भी कर्म का कर्तापन ऋत्विक का और फल में अधिकार यजमान का सिद्ध होता है। संबंध इस प्रकार प्रसंगानुसार सकाम उपासना के फल और कर्तापन का निर्णय किया गया। अब ब्रह्म विद्या का अधिकार किसी एक ही आश्रम में है या सभी आश्रमों में, इस बात का निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। सहकार्यंतर विधि पक्षेण तृतीयम तद्वतो विद्यादिवत। ब्रह्म विद्या संबंधी साधन युक्त साधक के लिए बालकपन और पांडित्य के साथ कहा हुआ जो तीसरा मौन साधन है वह विधेय है, क्योंकि उसका दूसरे सहकारी साधन के रूप में विधान है। दूसरे स्थल में कहे हुए विधि वाक्यों की भांति एक पक्ष को लेकर यह भी विधि है। व्याख्या कहोल ने याज्ञवल्क से साक्षात परब्रह्म का स्वरूप पूछा। उसके उत्तर में याज्ञवल्क ने सबके अंतरात्मा परमात्मा का स्वरूप संकेत से बताकर कहा कि जो शोक मोह भूख प्यास बुढ़ापा और मृत्यु से अतीत है वह परमात्मा है। ऐसे इस परमात्मा को जानकर ब्राह्मण पुत्र कामना धन कामना तथा मान बढ़ाई और स्वर्ग संबंधी लोक कामना से विरक्त होकर भिक्षा से निर्वाह करने वाले मार्ग से विचरता है। इसके बाद इन तीनों कामनाओं की एकता करके कामना मात्र को त्याज्य बताया और अंत में कहा कि वह ब्राह्मण उस पांडित्य को भली भांति समझकर बाल्य भाव से स्थित रहने की इच्छा करे, फिर उससे भी उपरत होकर मुनि हो जाए, फिर वह मौन और अमौन दोनों से उपरत होकर ब्राह्मण हो जाता है अर्थात ब्रह्म को भली भांति प्राप्त हो जाता है इत्यादि। इस प्रकरण में संन्यास आश्रम में परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन किया गया। इस वर्णन में पांडित्य और बाल्य भाव के अंत में तो तिष्ठा सेत स्थित रहने की इच्छा करे यह विधिवाक्य है, परंतु मुनि शब्द के बाद कोई विधि नहीं है, इसलिए सूत्रकार का कहना है कि जिस प्रकार अन्यत्र कहे हुए वचनों में स्पष्ट विधि का प्रयोग न होने पर सहकारी भाव से एक के लिए प्रयुक्त विधिवाक्य दूसरे के लिए भी मान लिए जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी पांडित्य और बाल्य भाव इन दो सहकारी साधनों से युक्त साधक के प्रति उनके साथ कहे हुए इस तीसरे साधन मुनि भाव के लिए भी विधिवाक्य का प्रयोग पक्षांतर से समझ लेना चाहिए। ध्यान रहे इस प्रकरण में आए हुए बाल्य भाव से तो दंभ मान आदि विकारों का अभाव दिखाया गया है और मननशीलता को मौन कहा गया है, अतः ब्रह्म का शास्त्रीय ज्ञान पांडित्य उक्त विकारों का अभाव बाल्य भाव और निरंतर मनन तथा निदिध्यासन मौन इन तीनों की परिपक्व अवस्था होने से ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है, यही इस प्रकरण का भाव है। संबंध पूर्व सूत्र में जिस प्रकरण पर विचार किया गया है वह संन्यास आश्रम का द्योतक है, अतः यह जिज्ञासा होती है कि संन्यास आश्रम में ही ब्रह्म विद्या का साधन हो सकता है या अन्य आश्रमों में भी उसका अधिकार है। यदि संन्यास आश्रम में ही उसका साधन हो सकता है तो श्रुति में गृहस्थ आश्रम के साथ साथ ब्रह्म विद्या का प्रकरण क्यों समाप्त किया गया है? वहाँ के वर्णन से तो गृहस्थ का ही अधिकार स्पष्ट रूप से सूचित होता है, अतः इसका निर्णय करने के लिए कहते हैं कृतस्रभावात्तु गृहणोपसंहारः। गृहस्थ आश्रम में संपूर्ण आश्रमों का भाव है, इसलिए ही उस प्रकरण में गृहस्थ आश्रम के साथ ब्रह्म विद्या के प्रकरण का उपसंहार किया गया है। व्याख्या गृहस्थ आश्रम में चारों आश्रमों का भाव है, क्योंकि ब्रह्मचारी भी गृहस्थाश्रम में स्थित गुरु के पास ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। वानप्रस्थ और सन्यासी का भी मूल गृहस्थ ही है। इस प्रकार चारों आश्रमों का गृहस्थ में अंतर्भाव है और ब्रह्म विद्या का अधिकार सभी आश्रमों में है, यह भी श्रुति का अभिप्राय है, इसलिए वहाँ उस प्रकरण का गृहस्थ के वर्णन के साथ साथ उपसंहार किया गया है।
तथा पूर्व प्रकरण में जो सन्यास आश्रम का संकेत है वह साधनों की सुगमता को लक्ष्य करके कहा गया है, क्योंकि किसी भी आश्रम में स्थित साधक को ब्रह्म ज्ञान संपादन के लिए पुत्रैषणा आदि सभी प्रकार की कामनाओं तथा राग द्वेषादि विकारों का सर्वथा नाश करके मननशील तो होना ही पड़ेगा। दूसरे आश्रमों में विघ्नों की अधिकता है और सन्यास आश्रम में स्वभाव से ही उनका अभाव है। इस सुगमता को दृष्टि में रखकर वैसा कहा गया है, न कि अन्य आश्रमों में ब्रह्म विद्या के अधिकार का निषेध करने के लिए। संबंध प्रकारांतर से पुनः सभी आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार सिद्ध किया जाता है। मौन वदित रे शाम प्युपदेशात्, अन्य आश्रम वालों के लिए भी मननशीलता की भांति विद्योपयोगी सभी साधनों का उपदेश होने के कारण सभी आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार सिद्ध होता है। व्याख्या। जिस प्रकार पूर्व प्रकरण में मननशीलता मौन रूप साधन का सबके लिए विधान बताया गया है, इसी प्रकार श्रुति में अन्य आश्रम वालों के लिए भी विद्योपयोगी सभी साधनों का उपदेश दिया गया है। जैसे इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता की महिमा को जानने वाला, शांत मन को वश में करने वाला मननशील, दांत इंद्रिय समुदाय को वश में करने वाला, उपरत भोगों से संबंध रहित, तितिक्षु सुख दुख से विचलित न होने वाला और सामहित ध्यानस्थ होकर अपने ही भीतर उन सबके आत्मस्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करता है। ऐसी ही बात दूसरे प्रकरणों में भी कही है। इससे यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या का अधिकार सभी आश्रमों में है। संबंध 47वें सूत्र के प्रकरण में जो बाल्य भाव से स्थित होने की बात कही गई थी, उसमें बालक के कौन से भावों का ग्रहण है यह स्पष्ट करने के लिए कहते हैं। अनाविस्कुर्वन्न वयात्, अपने गुणों को प्रकट न करता हुआ बालक की भांति दंभ और अभिमान से रहित होवे, क्योंकि ऐसे भावों का ही ब्रह्म विद्या से संबंध है। व्याख्या। अपने गुणों को प्रकट न करते हुए बालक के भाव को स्वीकार करने के लिए श्रुति का कहना है। अतः जैसे बालक में मान दंभ तथा राग द्वेष आदि विकारों का प्रादुर्भाव नहीं तथा गुणों का अभिमान या उनको प्रकट करने का भाव नहीं है, उसी प्रकार उन विकारों से रहित होना ही यहाँ बाल्य भाव है। अपवित्र भक्षण आचारहीनता अशौच और स्वेच्छाचारिता आदि निषिद्ध भावों को ग्रहण करना यहाँ अभिष्ट नहीं है, क्योंकि विद्या के सहकारी साधन रूप से श्रुति में बाल्य भाव का उल्लेख हुआ है, अतः उसके उपयोगी भाव ही लिए जा सकते हैं, विरोधी भाव नहीं। इससे श्रुति का यही भाव मालूम होता है कि ब्रह्म विद्या का साधक बालक की भांति अपने गुणों का प्रदर्शन न करता हुआ दंभ अभिमान तथा राग द्वेष आदि से रहित होकर विचरे। संबंध। यहाँ तक यह निश्चय किया गया कि सभी आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार है। अब यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्रों में जो ब्रह्म विद्या का फल जन्म मृत्यु आदि दुखों से छूटना और परमात्मा को प्राप्त हो जाना बताया गया है, वह इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है या जन्मांतर में? इस पर कहते हैं, एहिक मप्य प्रस्तुत प्रतिबंधे तद दर्शनात्। किसी प्रकार का प्रतिबंध उपस्थित न होने पर इसी जन्म में वह फल प्राप्त हो सकता है, प्रतिबंध होने पर जन्मांतर में भी हो सकता है, क्योंकि यही बात श्रुतियों और स्मृतियों में देखी जाती है। व्याख्या। श्रुति में कहा गया है कि गर्भ में स्थित वामदेव ऋषि को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो गई थी। भगवत गीता में भी कहा है कि नहि कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिं तात गच्छति। कल्याणमय कर्म अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, किंतु वह दूसरे जन्म में पूर्व जन्म संबंधी शरीर द्वारा प्राप्त की हुई बुद्धि से युक्त हो जाता है और पुनः परमात्मा की प्राप्ति के साधन में लग जाता है। इस प्रकार श्रुतियों और स्मृतियों के प्रमाणों को देखने से यही सिद्ध होता है कि यदि किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध उपस्थित नहीं होता, तब तो इसी जन्म में उसको मुक्ति रूप फल की प्राप्ति हो जाती, और यदि कोई विघ्न पड़ जाता है तो जन्मांतर में वह फल मिलता है। तथापि यह निश्चय है कि किया हुआ अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। संबंध। उपयुक्त ब्रह्म विद्या का मुक्ति रूप फल किसी प्रकार का प्रतिबंध न रहने के कारण जिस साधक को इसी जन्म में मिलता है,
उसे यहां मृत्यु लोक में ही मिल जाता है या लोकांतर में जाकर मिलता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं एवं मुक्ति फला नियमस्तद वस्थावद्धृते स्तवस्थावद्धृते। इसी तरह किसी एक लोक में ही मुक्ति रूप फल प्राप्त होने का नियम नहीं है, क्योंकि उसकी अवस्था निश्चित की गई है, उसकी अवस्था निश्चित की गई है। इस कथन की पुनरावृत्ति अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है। व्याख्या: ब्रह्म विद्या से मिलने वाले मुक्ति रूप फल के विषय में जिस प्रकार यह नियम नहीं है कि वह इसी जन्म में मिलता है या जन्मांतर में, उसी प्रकार उसके विषय में यह भी नियम नहीं है कि वह इस लोक में मिलता है या ब्रह्मलोक में, क्योंकि जब इसके हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब वह साधक अमृत हो जाता है और यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इत्यादि वचनों द्वारा श्रुति में मुक्तावस्था का स्वरूप निश्चित किया गया है, अतः जिसको वह स्थिति शरीर रहते रहते प्राप्त हो जाती है वह तो यही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, और जिसकी वैसी अवस्था यहाँ नहीं होती वह ब्रह्मलोक में जाकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। चौथा पाद संपूर्ण श्रीमद् वेदव्यास रचित वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र का तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चौथा अध्याय पहला पाद। तीसरे अध्याय में परमात्मा की प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधनों को बतलाने वाली श्रुतियों पर विचार किया गया। अब उन उपासनाओं के फल विषयक श्रुतियों पर विचार करने के लिए फलाध्याय नामक चौथा अध्याय आरंभ किया जाता है। यहाँ पर यह जिज्ञासा होती है कि पूर्वोक्त उपासनाएं गुरु द्वारा अध्ययन कर लेने मात्र से ही अपना फल देने में समर्थ हैं या उनके साधनों का बार बार अभ्यास करना चाहिए। इस पर कहते हैं आवृत्ति रस कृदुपदेशात्, अध्ययन की हुई उपासना का आवर्तन बार बार अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि श्रुति में अनेक बार इसके लिए उपदेश किया गया है। व्याख्या: श्रुति में कहा है आत्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिधासितव्यः। वह परमात्मा ही दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य, गमन करने योग्य और ध्यान करने योग्य है। विशुद्ध अंतःकरण वाला साधक उस अव्यय रहित परमेश्वर को निरंतर ध्यान करता हुआ ज्ञान की निर्मलता से देखता है। जो कामना रहित साधक उस परम पुरुष की उपासना करते हैं वे इस रजो वीर्यमय शरीर को अतिक्रमण कर जाते हैं। इस प्रकार जगह जगह ब्रह्म विद्या रूप उपासना का अभ्यास करने के लिए बार बार उपदेश दिया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि आचार्य से भली भांति ब्रह्म विद्या का अध्ययन करके उस पर बार बार विचार करते हुए उस परमात्मा में संलग्न होना चाहिए। संबंध प्रकारांतर से इसी बात को सिद्ध करते हैं। लिंगाच स्मृति के वर्णन रूप लिंग प्रमाण से भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या: भगवत गीता में जगह जगह यह बात कही गई है कि सर्वेषु कालेषु माम नुस्मरः, सब काल में मेरा स्मरण कर। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्, बार बार चिंतन करता हुआ साधक परम पुरुष को प्राप्त होता है। जो मेरा अनन्य भक्त मुझे नित्य निरंतर स्मरण करता है उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ होता हूँ। मैं यावेश मनो ये यांग नित्य युक्ता उपासते, जो मेरे नित्य युक्त भक्त मुझमें मन लगाकर मेरी उपासना करते हैं। इसी प्रकार दूसरी स्मृतियों में भी कहा है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। संबंध उस परम प्राप्य पर ब्रह्म का किस भाव से निरंतर चिंतन करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं आत्मेति तूप गच्छन्ति ग्राह्यन्ति च। वह मेरा आत्मा है इस भाव से ही ज्ञानी जन उसे जानते या प्राप्त करते हैं और ऐसा ही ग्रहण कराते या समझाते हैं। व्याख्या: यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा चार पाद वाला है इत्यादि। सबका अंतर्वर्ती यह तेरा आत्मा है, यह तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इसी प्रकार उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से बार बार कहा है कि वह सत्य है, वह आत्मा है, वह तू है। जो आत्मा में स्थित हुआ आत्मा का अंतर्यामी है, जिसको आत्मा नहीं जानता, जिसका आत्मा शरीर है, वह तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है।
इस प्रकार श्रुति में उस परब्रह्म परमात्मा को अपना अंतर्यामी आत्मा मानकर उपासना करने का विधान आता है, तथा भगवत गीता में भी भगवान ने अपने को सबका अंतर्यामी बताया है। दूसरी श्रुति में भी उस ब्रह्म को हृदय रूप गुहा में निहित बताकर उसे जानने वाले विद्वान की महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए साधक को उचित है कि वह परमेश्वर को अपना अंतर्यामी आत्मा समझकर उसी भाव से उसकी उपासना करे। संबंध, क्या प्रतीकोपासना में भी ऐसी ही भावना करनी चाहिए? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, न प्रतीके न ही सह। प्रतीक में आत्मभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उपासक का आत्मा नहीं है। व्याख्या, मन ही ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करे। आकाश ब्रह्म है, ऐसी उपासना करे। आदित्य ब्रह्म है, यह आदेश है, इस प्रकार जो भिन्न भिन्न पदार्थों में ब्रह्म रूप से उपासना करने का कथन है, वही प्रतीकोपासना है। वहाँ प्रतीक में आत्मभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उपासक का अंतर आत्मा नहीं है। प्रत्युत, प्रतीक में जिसकी उपासना की जाती है वह साधक का आत्मा है। जैसा मूर्ति आदि में भगवान की भावना करके उपासना की जाती है, उसी प्रकार मन आदि प्रतीक में भी उपासना करने का विधान है। भाव यह है कि पूर्वोक्त मन आकाश आदित्य आदि को प्रतीक बनाकर उनमें भगवान के उद्देश्य से की हुई जो उपासना है, उसे परम दयालु पुरुषोत्तम परमात्मा अपनी ही उपासना मानकर ग्रहण करते हैं और उपासक को उसकी भावना के अनुसार फल भी देते हैं। इसलिए वैसी उपासना का भी विधान किया गया है, परंतु प्रतीक को अपना अंतर्यामी आत्मा नहीं माना जा सकता। संबंध, प्रतीकोपासना करने वाले को प्रतीक में ब्रह्म भाव करना चाहिए या ब्रह्म में उस प्रतीक का भाव करना चाहिए? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्, ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि निकृष्ट वस्तु में ही उत्कृष्ट की भावना की जाती है। व्याख्या, जब किसी देवता की प्रत्यक्ष उपासना करने का साधन सुलभ नहीं हो, तब सुविधा पूर्वक उपलब्ध हुई साधारण वस्तु में उस देवता की भावना करके उपासना की जाती है। देवता में उस वस्तु की भावना नहीं की जाती है, क्योंकि वैसा करने का कोई उपयोग ही नहीं है। उसी प्रकार जो साधक उस पर ब्रह्म परमात्मा के तत्व को नहीं समझ सकता, उसके लिए प्रतीकोपासना का विधान किया गया है। अतः उसे चाहिए कि इंद्रिय आदि से प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले प्राण, मन, सूर्य, चंद्रमा आदि किसी भी पदार्थ को उस पर ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक बनाकर उसमें ब्रह्म की भावना करके उपासना करे, क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है और निकृष्ट में ही श्रेष्ठ की भावना की जाती है, श्रेष्ठ में निकृष्ट की नहीं। इसी प्रकार प्रतीक में ब्रह्म भाव करके उपासना करने से वह पर ब्रह्म परमात्मा उस उपासना को अपनी ही उपासना मानते हैं। संबंध, अब कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि के विषय में कहते हैं, आदित्यादिमतयश्चांग उपपत्तेह, तथा कर्मांग भूत उद्गीत आदि में आदित्य आदि की बुद्धि करनी चाहिए, क्योंकि यही युक्त युक्त है। ऐसा करने से कर्म समृद्धि रूप फल की सिद्धि होती है। व्याख्या, कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि में जो आदित्य आदि की भावना पूर्वक उपासना करने का विधान किया गया है, वह अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि ऐसा करने से कर्म समृद्धि रूप फल की सिद्धि होती है। आत्मभाव करने का कोई फल नहीं दिखाई देता, इसलिए यही सिद्ध होता है कि कनिष्ठ वस्तु में श्रेष्ठ की भावना का नाम प्रतीक उपासना है। संबंध, यह जिज्ञासा होती है कि साधक को किसी आसन पर बैठकर उपासना करनी चाहिए या चलते फिरते प्रत्येक परिस्थिति में वह उपासना कर सकता है? इस पर कहते हैं, आसीनः संभवात्, बैठे हुए ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि बैठकर ही निर्विघ्न उपासना करना संभव है। व्याख्या, पर ब्रह्म परमेश्वर का जैसा रूप सुनने और विचार करने पर समझ में आया है, उसका बार बार तैल धारा की भांति निरंतर चिंतन करते रहने का नाम उपासना है।
यह उपासना चलते फिरते या अन्य शरीर संबंधी काम करते समय नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय चित्त विक्षिप्त रहता है तथा सोते हुए करने में भी निद्रा रूप विघ्न का आना स्वाभाविक है। अतः केवल बैठकर करने से ही निर्विघ्न उपासना हो सकती है, इसलिए उपासना का अभ्यास बैठकर ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि उपविश्वासने युज्जाद योगमात्मा विशुद्धये, अर्थात आसन पर बैठकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। संबंध उसी बात को दृढ़ करने के लिए दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं। ध्यानाच्च, उपासना का स्वरूप ध्यान है, इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि बैठकर उपासना करनी चाहिए। व्याख्या, अपने इष्ट देव का ध्यान ही उपासना का स्वरूप है और चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है, अतएव यह बैठकर ही किया जा सकता है, चलते फिरते या सोकर नहीं किया जा सकता। संबंध पुनः उसी बात को दृढ़ करते हैं। अचलत्वं चापेक्ष तथा श्रुति में शरीर की निश्चलता को आवश्यक बताकर ध्यान करने का उपदेश किया गया है। श्रुति में कहा है कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ध्यान का अभ्यास करने वाले को चाहिए कि सिर, ग्रीवा और छाती, इन तीनों को उठाए हुए शरीर को सीधा और स्थिर करके समस्त इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध करके ओंकार रूप नौका द्वारा समस्त भयदायक जन्मांतर रूप स्रोतों से तर जाए। इस श्रुति से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपासक के लिए शरीर की अचलता आवश्यक है, इसलिए भी उपासना बैठकर ही की जानी चाहिए। संबंध उस बात को स्मृति प्रमाण से दृढ़ करते हैं।